आराम से करना। लेकिन ऊपर क्या है ये? ओ ये तो देख रही है। ओ इसके तो इरादे नेक ही नहीं है भाई। हाँ थोड़ा टेढ़े हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, अंदर घुस रहे हैं। उंगली थोड़ा घुस रही। हाँ थोड़ा पीछे, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा और ये। हाँ नहीं, अंदर घुस गई, घुस गई, घुस गई। राजा जी, व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो भाई बारिश का समय है, मानसून का समय है, तो बारिश हो रही है भाई, ऐसे में कहाँ घूमने जाएं। तो भाई मैं आपको एक इंडोर जगह पर लेके आया हूँ, आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे हो। तो हम है क्लिक आर्ट म्यूजियम। तो ये एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर आप क्या करते हो, फोटो शूट कर सकते हो, वो भी 3D पिक्चर्स आपको यहाँ मिलने वाली है। क्या है कैसे है वो तो अंदर चलकर ही हम देखने वाले हैं। उससे पहले यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, टिकट क्या है, टाइमिंग क्या है, लोकेशन क्या है। साथ में आया सोहिल भाई, तो फुल मजे करने वाले हैं। तो चलते हैं अंदर, आओ। तो भाई सबसे पहले मैं आपको यहाँ की लोकेशन बता देता हूँ। तो भाई ये है मैटॉक एडवेंचर आइलैंड, रोहिणी सेक्टर 10 में। और भाई इसका ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है रिठाला। रिठाला मेट्रो स्टेशन से आप यहाँ पर इजीली आ सकते हो, रिक्शे वाले को 10-10 रुपए देके आराम से यहाँ तक आ सकते हो आप। बाकी पार्किंग बाहर है। भाई ये है यहाँ के सामने पार्किंग, तो काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया है यहाँ पर। और प्राइस की अगर बात करें तो भाई कार पार्किंग के 50 है और बाइक के है 30 रुपीज़। बाकी ये देख रहे हो सामने क्लिक आर्ट म्यूजियम, वहाँ पर है वो, और उसी के सामने आप यहाँ का टिकट काउंटर है। तो यहाँ पे भाई से पूछते हैं कितने पे टिकट प्राइस है। और भाई बढ़िया। तो भाई ये देखो 50 रुपये की टिकट है यहाँ पर, और टाइमिंग ये है यहाँ की। तो भाई ये रहा अपना क्लिक आर्ट म्यूजियम, इंडियाज फर्स्ट ट्रिक आर्ट म्यूजियम। चलते हैं अंदर भाई। और भाई टिकट कुछ इस तरीके की दिखती है यहाँ की। देखो भाई ने छीन ली हमसे टिकट, छीनी नहीं है, दे दी मैंने आराम से। ये फाड़ रहे भाई टिकट को, और ये फाड़ दी। यहाँ पे सामने देख रहे हो, यहाँ पे ये है मोनालिसा। तो मोनालिसा के साथ आप फोटो शूट करवा सकते हो। देखो कुछ यहाँ पे आइडिया दिया हुआ है कैसे आप फोटो शूट करवा सकते हो। जैसे लड़की देखो यहाँ पे मतलब पीछे से उंगली लगवा रही है अपने, तो ऐसे आप भी उंगली लगवा सकते हो पीछे से, ठीक है। बाकी जैसा आपका मन हो वैसे करवाओ। यहाँ पे जो फोटो शूट करवा रहा है उसको खड़ा होना है, और यहाँ इस वाले पोर्शन में जो फोटो शूट कर रहा है उसको खड़ा होना है। हाँ थोड़ा टेढ़े हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, अंदर घुस रहे हैं। उंगली थोड़ा घुस रही। हाँ थोड़ा पीछे, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा और ये। हाँ नहीं, अंदर घुस गई, घुस गई, घुस गई। तो भाई लड़की वाला वो पोज हमें पसंद नहीं आया। देखो पता नहीं कर क्या रही है, ये समझ ही नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम अपना ही पोज बनाते हैं। इसकी उंगली में उंगली मिलाओ, फ्रेंडशिप वाला नहीं होता जो। नहीं नहीं उंगली उंगली थोड़ा इस तरीके से, उंगली ऐसे फोल्ड करके ये थोड़ा। हाँ ऐसे ऐसे ऐसा कुछ करो। तो भाई नेक्स्ट यहाँ पर हमारे सामने ये है, इनके बारे में लिखा होना चाहिए था, पता नहीं कौन है ये। तो ये बाबा है, तो यहाँ पे देखो बाबा के साथ फोटो शूट करवा रहा सोहिल। तो ये देखो यहाँ पे क्या मतलब, एक कोहनी जो है हमारी, तो इसको अगर हम मारेंगे तो वो जो ग्लास है पीछे का ये टूट जाएगा, जैसे टूट गया। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल दिखाया हुआ है, ये मैडम जी है, इन्होंने भी तोड़ दिया, तो आप भी तोड़ सकते हो यहाँ पे आके ऐसे इसको। तो भाई नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पे बटरफ्लाई है, तो भाई ये जो लड़कियां हैं उनके लिए है। और यहाँ पे पीछे देखो पापा की परी खड़ी हुई है। तो ऐसे आप भी पापा की परी बन सकते हो और फोटो शूट अपनी कर सकते हो। क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पर आप कुछ ये देख सकते हो यहाँ पर, और ये देख सकते हो, तो यहाँ भी आप फोटो शूट करवा सकते हो। बाकी ये देख रहे हो, तो अभी फिलहाल हम चलते हैं यहाँ से अंदर। तो अंदर हम आते हैं तो हमें यहाँ पे एक अम्ब्रेला दिखाई देता है। तो कहाँ अम्ब्रेला वाला, अम्ब्रेला कैसे क्लिक करना भाई, कोई आइडिया नहीं दिया हुआ। और यहाँ पे ये स्नेक है, इस साइड होगा मेरे ख्याल से। हाँ देखो ये रहा यहाँ पर। तो अम्ब्रेले में आपको कैसे क्लिक करना अपना फ़ोटो, वो दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो जैसे बारिश आ रही हो ऐसा। तो बाकी यहाँ पर ये हैं ये दोनों, तो ये दोनों कहाँ हैं, अच्छा ये रहे यहाँ पे, ये नंगे पुंगे जी। तो इनके साथ भी आप कर सकते हो फोटो शूट, ठीक है। बाकी ये सब है, तो दिखाता हूँ धीरे धीरे एक करके। तो सबसे पहले वही अम्ब्रेला यहाँ पर, तो वहाँ फ़ोटो शूट करने का ट्राई करते हैं एक बार। बाकी यहाँ पर ये स्नेक है जो कि ग्लास को तोड़ के बाहर आ रहा है। 3D लग रहा है वैसे, बताने के बाद थोड़ा कमेंट करके, थोड़ा बहुत लग रहा है ज़्यादा। बाकी यहाँ पर देखो पजल है, पजल टूट गया है। अच्छा बाकी नंगे पुंगे तो दिखाई देते, आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर ये देखो वो चीटिंग चल रही है भाई गेम के अंदर, ये देखो पीछे से यहाँ पे से काट दे रहा है। हाँ हाँ थोड़ा सा थोड़ा ऊपर करो। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे ये है समरिंग, तो इसमें भी करते फोटो शूट। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे डायमंड दे रहे हो बाबा, तो तो ये डायमंड दे रहे हैं, तो सोहिल यहाँ पे डायमंड ले रहा है, तो सोहिल की फोटो लेते हैं। तो क्या चाहिए तुम्हें, डायमंड चाहिए।
तो वही यही है कि लेकार्ड म्यूजियम यहाँ पे भी आगे और देखने वाले हैं और यहाँ पे अच्छी अच्छी फोटोज होने वाली है जिसके साथ हम फोटोशूट कर सकते हैं। तो वही भीड़ थोड़ी सी कम है क्योंकि भाई मानसून का समय है, लोग ऐसे में घूमना पसंद नहीं करते हैं, बारिश हो रही होती है। तो अब नेक्स्ट में यहाँ पे आपको पीछे दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको एक शख्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये वो हैं जिन्होंने इस पूरे क्लिकार्ड म्यूजियम को रेडी किया है, तो इनके बारे में देखते हैं थोड़ा। वो यहाँ पर सामने, तो यहाँ पे अबाउट द क्रिएटर लिखा हुआ है, तो देखो यार सब कुछ लिखा हुआ है, इनका नाम देखो ये रहा, तो एक बार गूगल कर ले रहे इनके बारे में अच्छे से आपको अगर पढ़ना हो तो। ये है यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर एक जादूगर टाइप मतलब बनाया गया है। तो यहाँ पर सोहिल बैठा हुआ है जो कि फ़ोटोशूट करवाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे भाई थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, देख रहे हो अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, तो इनको लाइट थोड़ी सही करवानी चाहिए। बाकी वहाँ पे आप वो सामने देख रहे हो ये एलिफेंट है, तो एलिफेंट के साथ फ़ोटोशूट करवा सकते हो। देखो वहाँ पे दिखाते हो किस तरीके से। तो यहाँ पे दो लोग करवाएंगे, हारस सी को मतलब जो रॉप है उसको आपको पकड़ना है, दो लोगों का ये वाला फ़ोटोशूट, एक को एक इस साइड एक को इस साइड। नेक्स्ट आपको देखो ये वाला, देखो एक नंबर लग रहा है फोटोशूट, यहाँ पे अच्छी होगी। तो ये हाथ क्यों ला रहे हो भाई, तो यहाँ पे ये वाली फोटोशूट अच्छी होगी, ठीक है। एक देखो ये है और यहाँ पे सामने ये है और एक ये है, तो यहाँ कैसे कराना है फोटोशूट वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे पीछे देखो, यहाँ पे दिखा हुआ है जो ये कठपुतली बन जाना है, यहाँ पर इस तरीके से करवाना है अपना फोटोशूट, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेस की तरह, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। दो लोगों की जरूरत है बट हम एक में काम चला लेंगे। तो भाई देखो पीछे देख रहा है एक, इस तरीके से करना फोटोशूट। हाँ बढ़िया, आ जाओ चलो यार आ जाओ। तो भाई जितनी बढ़िया बढ़िया फोटो ली जा रही है वो मेरे थ्रू ली जा रही है, और जो बेकार बेकार फोटो है वो सारे सोहिल ले रहा है, क्योंकि सोहिल की फोटो मैं ले रहा हूँ जो भी बढ़िया बढ़िया आ रही है। सच बोलो। और भाई चैनल पर पहली बार आ रहा हूँ तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। यहाँ पर सामने देखो दो रूम सिखाए हुए हैं, तो चल के देखते हैं इन रूम में क्या है। तो एक ये वाला रूम है, तो यहाँ पर देखो एक जादू करने वाली लड़की है, बाकी चार्ली जी है ना, वो चार्ली बोलते नाम नहीं याद आ रहा है थोड़ा वहाँ भी, बट यहाँ पे साउंड यार रिफ्लेक्ट हो रही है इधर उधर। ये देखो इनको कौन नहीं जानता, कराटे चैंपियन। बाकी यहाँ पे है सांता क्लॉस। ओए सोहिल इधर आओ, देखो यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है इस कमरे में। देखो यहाँ पे ये वाला रूम भी एक नंबर है, पीछे देखो पीछे तो देखो पीछे तो देखो। तो यहाँ पर ये वाला रूम आप देख रहे हो, यहाँ पर हैरी पॉटर है सामने, बाकी यहाँ पर ये एक लेयर दिखाई गई है सी की, सी मतलब समुद्र, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये एलिफेंट है, बाकी उस साइड तो मैंने दिखाई दिया आपको, वहाँ पर लड़कियाँ कैसे मजे कर रही हैं। बाकी वो है चिंपैंजी, बाकी यहाँ पर ये आंटी जी है, ये बर्ड उड़ा रही हैं, मतलब मैं जानता नहीं हूँ कौन है वो। बाकी यहाँ पर ये क्रोकोडाइल है, यहाँ पर एक फिश है, तो करते हैं फोटोशूट। आराम से करना, लेकिन ऊपर क्या है ये, वो ये तो देख रही है, ओए इसके तो इरादे नेक ही नहीं है भाई, ये क्या क्या करना चाहती। और ये देखो ये तो बिल्कुल डरी गई देख, और इसका तो बेचारी शर्मा आ गई। हे बॉय, कुछ कुछ तो शर्मा आ जाते हैं लोग। बाकी ये चिंपैंजी मैंने आपको दिखाया था फोटो ले रहा था, ये तो इसको छोड़ो, यहाँ करते हैं फोटोशूट क्रोकोडाइल के पास। इनकी फोटोज़ देख रहे हो भाई, एक नंबर फोटो है, हमसे तो क्लिक हो ही नहीं पा रही है। ये देखो कुछ इस तरीके से करनी थी, हमने अपना ये अलग न्यू तरीका निकाल लिया, तो ये कर रहे हैं एक नंबर फोटो। तो भाई फोटोग्राफर से कराओ भाई, तो क्रोकोडाइल ट्राई करते हैं। आओ भाई आओ, यहाँ पे तुम्हारी क्लिक करूँ। नेक्स्ट रूम में आ चुका है, यहाँ पर सबसे पहले सांता क्लॉस है, तो ले लो कोई बात नहीं ले लो। यहाँ पर सामने है ब्रूस ली, आओ भाई ब्रूस ली के साथ फोटो शूट करूँ, मुंह तोड़वाने के लिए जाओ सामने। सो जैसे कि आपने बाहर की साइड में देखा था, वहाँ पे लड़कियाँ बन सकती हैं पापा की परी, और यहाँ पे तरुण भाई बनने हैं पापा के परा। सो इस साइड में आप फोटो शूट कर सकते हो, सो करते हैं फोटो क्लिक। तो भाई यहाँ पे दो पर दिखाया गया, सामने एक बड़ा वाला है और यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए है। यहाँ पर सामने है चार्ली और यहाँ पे एक मैजिशियन लड़की, तो यहाँ भी करते हैं फोटोशूट। यहाँ पर आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे हॉर्स है और सामने सांता क्लॉस है, तो यहाँ भी कर सकते हो फोटोशूट।
तो भाई आ चुके हैं क्लिकार्ट म्यूजियम से बाहर। यही था यहाँ पर जो भी था, इसकी जो टाइमिंग होती है 30 मिनट्स की होती है, ये इन्होंने अभी बताया हमें। तो भाई ठीक था, आपको फोटोशूट पसंद है तो यहाँ पे भी आ सकते हो आप। दिखा दिया हमने तो आपको, हमारा काम दिखाना दिखा दिया, ठीक है। और चैनल में पहली बार आते हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट हम बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए आपसे अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।